पंपा सरोवर के निकट गए, शबरी से भेंट हुई। सच तो ये कि शबरी ने ही कहा था कि सुग्रीव से मैत्री कीजिए और सुग्रीव सहायक बनेगा। जंगल में कोई चीज खोई हो तो जंगल के लोग आसानी से सहायता कर देते हैं। शबरी जो प्रतीक्षा है, शबरी जो एक प्रकार से धैर्य है, शबरी का चरित्र तो कौन ले इतने कम समय में। धैर्य के साथ बैठे, एक स्त्री के लिए हजारों बार संग्राम हुए थे, भयानक रक्तपात हुआ था, एक सुंदर स्त्री के लिए इतने युद्ध हुए थे। ब्रह्मा से वर मांगा था कि मेरे कारण हजारों हजार युद्ध हुए, मेरे रूप और सौंदर्य के कारण हजारों बार युद्ध हुए। ब्रह्मा देखो तो सही, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले तू जैसे रूप से कोई होगी नहीं, जो तेरा रूप ऐसा कभी किसी का नहीं होगा, ये रूप तो ऐसा ही रहेगा। तो बोली भगवान एक वर दीजिए, भले ही मुझे कुरूप बना दो पर मुझे राम मिल जाए, कुछ ऐसा कर दो, मुझमें वर में राम नहीं मिलते हैं, काम ही मिलते हैं। जब पुरुष मुझे देखता है तो पता नहीं किस दृष्टि से देखता है। अब मैं थक गई पुरुषों की दृष्टि देख देख कर, जो लाखों पुरुष मर गए कटकर युद्ध करके मेरे रूप के लिए मरे ना, मेरे रूप में मरते रहे ना, वो उनकी आंखों में काम मेरे लिए, जब देखा मेरी चमड़ी को देखा, जब देखा तब मेरे देह को देखा, इस रूप ने करोड़ों लोगों के प्राण छीन लिए। ये रूप है जिसे न जाने कितने लोगों की हत्या इस रूप के कारण हुई है, मेरा रूप छीन लो, लेकिन इसके बदले में कोई ऐसा पुरुष मेरे जीवन में आए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा चल तुझे मैं कुरूप तो नहीं देता, लेकिन हाँ अब वो रूप भी तेरा छीन लेता हूं, इसके बदले में तुझे राम मिलेगा, लेकिन तेरे निकट कोई नहीं आएगा, दूर 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 रहेंगे। अभी सब पास आने की बात करते हैं, हर व्यक्ति की कामना यह कि तुझे निकट से देखे, लेकिन अगले जन्म में हर व्यक्ति तुझसे दूर भागेगा, दूर भागेगा। और सच में शबरी के निकट कोई नहीं आता था, दूर जाते थे, दूर जाते थे। मतंग मुनि ने आशीष दिया, भगवान पहुंचे हैं, झूठे बेर खा लिए शबरी के। हर दिन भगवान को भोग लगाओ, कभी शबरी बनकर कभी सुलभा बनकर, आंख खुलेंगी भगवान की दृष्टि के पथ में आ जाओगे, उनके नेत्र पथ में आ जाओगे भोग से। अलंकार प्रिय विष्णु, अन्न प्रिय विष्णु, प्रणाम प्रिय विष्णु, नाम प्रिय विष्णु, भाव प्रिय विष्णु, और तुलसी दल अथवा पत्र पुष्पल घर में एक परंपरा रखो भगवान को भोग लगाने की। नवदा भक्ति को उपदेश देकर भगवान चले थे।